अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाक 301, आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 29 और इससे अगला जो है 30, बस ये आखिरी होगा लेक्चर, ठीक है। इसके बाद जो है ये सिलेबस एंड हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले सारी वीडियोस अपलोड हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल में पढ़ी वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें ओनली एमसीक्यूज होंगे, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैव डीप रूटेड एफिलेशन विद द इस्लामिक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डैश रिलीजन। बरसगीर के मुसलमानों का इस्लामी ममालिक से मजहब की बुनियाद पर गहरी वापस्तगी है। टू क्वेश्चन है कि दे डिमोन्स्ट्रेटेड दिस जील ऑफ डैश ऑन मैनी ओकेजंस ब्रदरहुड। उन्होंने कई मौके पर भाईचारे के इस जोश का मुजाहरा किया। थ्री क्वेश्चन है कि फ्राम द डेज ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डैश द ट्रेडिशनल पॉलिसी विद द मुस्लिम वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहते हैं फॉलोड, यानी कि तहरीक के पाकिस्तान के दिनों से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुस्लिम दुनिया के साथ रवायती पॉलिसी पर अमल किया। फोर्थ क्वेश्चन है कि पैन इस्लामिज्म एंड इस्लामिक वैल्यूज वर द स्ट्रॉन्गेस्ट डैश बिहाइंड द डिमांड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट मोटिव्स। इनके इलाक मुस्लिम रियासत के मुतालबे के पीछे पान इस्लाम व अज़म और इस्लामिक इकदार सबसे मजबूत मुहरकात थे। नेक्स्ट कह के आफ्टर द पार्टीशन दे ऑलवेज प्रेफर्ड क्लोज बिलेटरल रिलेशन विद द मुस्लिम कंट्रीज। उनके साथ अच्छा यानी कि रिलेशन था पार्टीशन के बाद। The principle of policy in all the constitutions carry special attachment for Muslims and their heritage. ठीक है, यानी कि तमाम आइनों में पॉलिसी के असूल मुसलमानों और उनके वर्से से खसूसी लगाव रखते हैं। सेवन क्वेश्चन का, द लव फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड कंटिन्यूड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। मुस्लिम भाईचारे की मोहब्बत आज़ादी के दौरान और इसके बाद भी जारी रही। नेक्स्ट आ जाता है कि सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान रेंडर्ड फुल मोरल सपोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडोनेशिया, टूनिस, मोराको, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान एंड इंट्रिया। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया, टूनिस, मराकश, लीबिया, सूडान और की आज़ादी की मुकम्मल इखलाकी हमायत की, ठीक है। नाइन क्वेश्चन आगे कि फ़लस्तीन, पाकिस्तान बीइंग ए मुस्लिम स्टेट ऑलवेज साइडेड विद द नेशनल राइट्स ऑफ द फ़लस्तीनियन पीपल। एक मुस्लिम रियासत होने के नाते पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के कौमी हकूक का साथ दिया। टेन सवाल है कि इट स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट, इसने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की भरपूर हमायत की। 11 सवाल है कि शेयरिंग ग्रीवियस कंसर्न अवर द एट्रोसाइट्स इन्फ्लिक्टेड ऑन द मुस्लिम, इट कंडेम्ड द इसराइली पॉलिसीज। मुसलमानों पर डाए जाने वाले मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसराइली पॉलिसियों की मजम्मत की। नेक्स्ट मतलब 12 सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इज द डैश फॉरम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मुस्लिम फॉरम इन द वर्ल्ड, ठीक है। 13 सवाल है कि पाकिस्तान वाज अमंग द 51 मुस्लिम नेशंस विच अटेंडेड द इनॉगरल सेशन इन डैश रबात 1969। पाकिस्तान इन 51 मुस्लिम ममालिक में शामिल था जिन्होंने रबात 1969 में इफ्तताही इजलास में शिरकत की। और सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी इन 1974 में। 15 सवाल है कि पाकिस्तानी डिज़ायर टू मेक इट एन इफेक्टिव फॉरम टू एड्रेस द डैश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक मैटर्स। पाकिस्तानी सियासी, इक्तसादी, तकनीकी, साइंसी मामलों को हल करने के लिए इसे एक मौसर फोरम बनाना चाहते हैं। ओएसी ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान ऑन कश्मीर, ओएसी जो है सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में। RCD एंड ECO पाकिस्तान ईरान एंड टर्की साइंड रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट इन डैश जुलाई 1964। इट वर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टिल 1985 व्हेन इट वाज रीनेम्ड एज ECO, जब उसका नाम क्या था, ECO। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ कि अफगानिस्तान एंड 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, आज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया इनको, ज्वाइन इट। मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशन विद ऑल दी मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान का यानी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया बीइंग स्केट कंट्री इज़ द सेंटर ऑफ द मुस्लिम उम्मा,
इनके सऊदी अरब एक मुकद्दस मुल्क होने के नाते उम्मत मुसलमा का मरकज है। 22 सवाल है कि बोथ दी कंट्रीज हैव कॉन्फॉर्मिटी ऑन मेजर इशूज इंक्लूडिंग कश्मीर। दोनों काउंटियर कश्मीर समेत अहम मसाइल पर मुतफिक हैं। दी सऊदी कॉरपोरेशन फॉर दी ओएसी एंड वार्स विद इंडिया इज अनप्रेसिडेंटेड। ओआईसी के लिए सऊदी तावन और भारत के साथ जंगें बेमिसाल हैं। यूएई कुवैत एंड अदर गल्फ स्टेट्स दीज कंट्रीज एंड स्टेट्स हैव क्लोज एंड कॉर्डियल रिलेशन विद पाकिस्तान। द रूलिंग फैमिलीज मेक ऑफिशियल एंड पर्सनल विजिट्स। हुक्मरान खानदान सरकारी और ज़ाती दौरे करते हैं। द न्यू इरा ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन हैज़ सेट इन आफ्टर द गवादर पोर्ट वाज डैश बिल्ट। गवादर बंदरगाह की तामीर के बाद इक्तसादी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ है। 27 सवाल है कि ईरान इज़ अ नेबरिंग स्टेट विद लॉन्ग हिस्टोरिकल एंड डैश कल्चरल टाइज। ईरान एक पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ तवील तारीखी और सकाफती ताल्लुकात हैं। ईरान वाज द फर्स्ट दैट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। ईरान किंग वाज आल्सो द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को पहले विजिट किया। बोथ हैड जॉइंट अरेंजमेंट इन रिगार्ड टू डैश सेंटो आर सिटी एंड ई सी ओ। ईरान सपोर्ट पाकिस्तान इन दी वार्स विद इंडिया। ईरान सपोर्ट करता है पाकिस्तान को जब जंग होती है इंडिया के साथ ना। इट्स इंटरनेशनल लाइबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसने जम्मू और कश्मीर के लोगों की आज़ादी पर जोर दिया। पाकिस्तान वेलकम द ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ डैश फरवरी 1979। नेक्स्ट क्या है, इन मार्च 1997 प्रेसिडेंट रफसान जानी एंड इन दिसंबर 2002 खातामी विजिटेड पाकिस्तान। नेक्स्ट आज दैट टर्की इज़ एन अदर कंट्री विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्लोज एंड कॉर्डियल रिलेशंस विद पाकिस्तान। बोथ हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स ऑफ सेंटो आर सी डी ई सी ओ ई टी सी। नेक्स्ट आगे इजिप्ट आ गया। इजिप्ट अंडर नसीर हैड सम रिजर्वेशन ड्यू टू पाकिस्तान टाइज विद द वेस्ट। ठीक है, नासिर की क्यादत में मिस्र को मगरब के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात की वजह से कुछ तहफ़ुज़ात थे। पाकिस्तान सपोर्टेड इजिप्ट व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय इसराइल इन 1956, 67, 73। ठीक है, ये तीनों इसके आंसर है। The relations began to improve since 1967 and especially all the death of Nasir in 1970. Libya Colonel Gaddafi has been a great well-wisher and supporter of Daesh Pakistan. In American air raids in 1986, Pakistan condemned American attack. 1986 में अमेरिकी फजाई हमलों में पाकिस्तान ने अमेरिकी हमले की मजम्मत की। जॉर्डन इज अनदर एग्जांपल ऑफ डैश कोऑर्डिनेलिटी। उर्दन हमदर्दी की एक और मिसाल है। किंग हुसैन हैड स्पेशल रिकॉर्ड फॉर डैश पाकिस्तान। ही सपोर्टेड अस ऑन इंडिया पाकिस्तान इशूज। डैश कंटिन्यूड विद दिस ट्रेडिशन। किंग अब्दुल्ला बोथ हैव मिलिट्री रिलेशनशिप ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस। तो दोनों के दरमियान फौजी तल्लुकात तजारती और सफारती तबादले हैं। आगे अफगानिस्तान इज़ अ डैश नेबरिंग स्टेट। इट साइडेड विद द पख्तूनिस्तान इशू एंड क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। इसने पख्तूनिस्तान के मसले का साथ दिया और पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा की अफगानिस्तान ने। द सोवियत मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान गेव बर्थ टू द मुजाहिदीन ग्रुप्स तालिबान। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की फौजी मुदाखलात ने मुजाहिदीन ग्रुप तालिबान को जन्म दिया। The Daesh incident in America concluded major changes in the world diplomacy. 11 September 2001. After Taliban Daesh government took responsibility of Afghanistan reconstruction. Karzai. आगे Bangladesh was Daesh East Pakistan, but the internal instability and external conspiracies gave birth to Bangladesh. ठीक है। 53 सवाल है कि पाकिस्तान हैड इनिशियली बिटर रिलेशन बट रिकॉग्नाइज्ड इट इन 1974 दैट सेट इन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। बिटर इनके पाकिस्तान के दरमियान इब्तदाई तौर पर तल्लुकात थे, लेकिन 1974 में इसे तस्लीम कर लिया गया जिससे तल्लुकात मामूल पर आ गए।
नेक्स्ट है कि बोथ वर्क टुगेदर इन डैश, दोनों ने काम, दोनों इन्हें इकट्ठे इन्होंने काम किया कि इस पर सार्क और OIC में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 54 सवाल थे इस लेक्चर की। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप मुझे कॉमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।